वफाकी हुकूमत ने हमारी स्कीम्स को बंद कर दिया। सैलाब की स्कीम्स बंद करने पर बिलावल भुट्टो ने एहतजाज किया। वज़ीर-ए-आला सिंध की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुराद अली शाह ने कहा पीपल्स पार्टी तवील मुद्दती काम कर रही है, सिंध का बजट मुश्किल हालात में बनाया। अहदाफ हासिल करेंगे, बजट में कुछ चीज़ों का मुकम्मल प्लान नहीं दे सके, शरह नमो का हदफ पूरा करने की कोशिश करेंगे। बजट जिस सिनेरियो में बनाया गया है, आप सब अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, मुल्क एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। हमारी जो ग्रोथ टारगेट्स थी वो अचीव नहीं हुई। 3.5% की ग्रोथ प्रेडिक्ट की थी NEC में, एनुअल प्लान जो दिया गया उसमें 2.4% की ग्रोथ बताई गई है। जिनकी 37,000 से कम सैलरी होगी उसको हम 37,000 तक करेंगे। 3.5% GDP ग्रोथ की बात की जा रही है, इस वक्त मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम वफाक के साथ पूरी तरीके से तआवुन करके ये ग्रोथ अचीव करें।